दोस्तों, तो आज मैंने विज़िट किया रामपुर का बहुत ही फेमस भीमाकाली टेम्पल, जो कि है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही बड़ा। काफ़ी ज़्यादा वुडन वर्क इस पे हुआ है और बहुत ही अच्छा सुंदर। राजा जी ने बहुत सुंदर बनाया था इसको और बहुत ब्यूटीफुली मेंटेन्ड है ये। और मंदिर के बाद हम आ गए राजा जी का घर देखने। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ। यो ब्रो, इधर आओ हमारे साथ। पापा फोटो कहाँ है? पापा फोटो वहाँ है तो हम भी तो यहाँ है। ये कौन है मेरे साथ, एक छोटा सा बच्चा? कौन? और दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है गिरगिट। ये है राजमहल का दरवाज़ा और इससे वो आमीचे तुम्हा वाली फीलिंग आ रही है अंदर। मतलब मेरे को डर लग रहा है ऐसे झांकने में भी, कहीं कोई ऐसे निकल गई अंदर से चुड़ैल वगैरह आत्माएं, चुड़ैल निकल गई आत्माएं, किसी ने झांक लिया ऐसे, कोई पीछे से देख रही होगी। तो भाई मेरे को सपने में भी नहीं चाहिए उसका साया भी, कि हाँ ऐसी कोई मेमोरी मेरे माइंड में हो, तो भाई नींद नहीं आएगी। बाकी सुंदर बहुत है, ऐसे बाहर से घूमना हो देखना हो, अंदर जाना अलाउड नहीं है, पर जितना भी देख पा रहे बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा। और ये दिख रही है मेले की मिठाइयाँ। हमारा पूरा हॉलीडे बहुत अच्छा जा रहा है, आज संडे है तो हम कोई काम नहीं करेंगे। और ये हमारे कपड़े बाहर सूख रहे हैं और थोड़ी देर में हमारी चाट रेडी हो जाएगी। दोस्तों, अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं वो पड़ती है रामपुर में, यानी डिस्ट्रिक्ट शिमला। और ये जो पुल दिख रहा है, पुल के उस तरफ जो स्टार्ट होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। और ये हम यहाँ निकल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन। हम निकले हैं रामपुर से रोहडू। दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ठंड कितनी ज़्यादा है और मैं पूरी पैक हो चुकी हूँ। गलती गलती कपड़े कम लाए थे तो अभी जो भी मिल रहा है बस वो लपेटने का काम हो रहा है। और मैं पहुंच चुकी हूँ कोटखाई, राजाओं की धरती। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं हूँ कोटखाई में और फाइनली कोटखाई की धरती पे अपने कदम रख दिए। आई तो मैं तो पहले भी हूँ पर गाड़ी से आई थी और ज़्यादा कदम नहीं रखे थे यहाँ की धरती पे, पर आज मैंने बहुत सारे कदम रखे हैं। यहाँ पे खाना खाया, सब कुछ किया और काफ़ी मज़ा आया। और अभी हम चल रहे हैं। कल तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, आज तो अच्छा लग रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ, सेबों के बीचों बीच। और ये सेब है कोटखाई के सेब और ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। अभी इसमें दिख तो नहीं जाएगा, कोई पत्ता पुत्ता आया हुआ, पर अभी थोड़े टाइम में आ जाएगा। ये अभी मौसम ऐसा हो रहा है। और ये है लोगों के सेब के बगीचे। और मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है और गांव की खूबसूरती बहुत बढ़िया। और उन्हीं के बीच में से हम अपना रास्ता बना रहे हैं ताकि हम भी अपने घर पहुँच सकें। और उसी बीच हमें देखने मिलती है दो बिल्लियों की लड़ाई। सेबों के बिल्कुल बीचों बीच वो लड़ रही थी। मुझे तो डर ही लग गया था कि अब मेरे को ना पड़े ही आगे। तो बहुत खतरनाक है। और ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये इसकी तारें हैं, वो नीचे तक जाती है। मतलब अब तो शायद नहीं करते इतना ज़्यादा यूज़, पर पहले लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे सेब इन्होंने या कोई भी और भी चीज़ हो, वो यहाँ से इन्होंने वहाँ तक पहुँचानी है तो उसके लिए इसका यूज़ करते थे और बहुत जल्दी में अपना सामान पहुँचा देते थे। और
अभी हम वापस पहुंच चुके हैं यहाँ पे। सब लोगों ने हमको ये बोला कि ये जगह बहुत दूर है, बहुत दूर है, आप लोग पैदल मत जाओ मत जाओ। पर हमें तो बहुत अच्छा लगा पैदल आके, और हमें तो दूर भी नहीं लगा, और बहुत अच्छा लग रहा है पीछे इतने सुंदर सुंदर सेब के हम पेड़ों के बीच में से हम लोग आए, और ये रास्ता इतना प्यारा है। और ये छोटा सा बेबी, और ये है बहुत क्यूट, नाम बताओ अपना, आप बताओ मचस्य। Mm-hmm.